महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना लागू होने जा रही है। इसके तहत 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने 46,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। ऐसे में नागपुर के खदान इलाके में पूर्व नगर सेवक संजय बाल पांडे की ओर से लाडली बहन योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लाडली बहन योजना में लाभ लेने वाली महिलाएं पहुंच रही है और सरकार की इस योजना का लाभ लेने फॉर्म भरकर अपना नाम लाडली बहन योजना में दर्ज करवा रही है। ये पहली बात तो मैं महाराष्ट्र सरकार को इस अच्छी योजना डालने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत परिवार की एक महिला और विवाहित महिला और उस परिवार की एक कुमारी लड़की को इसमें आर्थिक सहायता 1500 रुपये की प्रतिमाह महाराष्ट्र शासन के द्वारा होने वाली है। और यहाँ पर रोज सैकड़ों की तादाद में ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। पहले 3 दिन हमने लोगों में जन जागृति करे, लोगों को बताया कि इस योजना के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। और जैसा कि डॉक्यूमेंट जहाँ तक की बात है, बहुत ही आसान प्रक्रिया इसके लिए है। पीले और सफ़ेद राशन कार्ड जिनके पास है, उनको किसी भी तरह का आय का प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है और ना तो रहवासी प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत है, ना तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत है। लेकिन जिस किसी जो कोई महिला विवाह के बाद में महाराष्ट्र में आई होंगी और वो बाहर प्रदेश की रहने वाली हैं, जैसा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बहुत सी महिलाएं हमारे वार्ड में है और हमारे नागपुर शहर में वो लोग रहते हैं, तो शादी कर बाहर की लड़की यहाँ पर आई है, ऐसे लड़की को उनका वोटिंग कार्ड और उनके पति का लिविंग सर्टिफिकेट अगर रहा तो आसानी से इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पूरी तरीके से इस बारे में मदद किया जा रही है और ये सब काम निःशुल्क है। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार, बनारसी शालों, कांचीवरम डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत।